बहुत से देशों में लोग इनसाइड जीते हैं, अंदर ही अंदर जीवन जीते हैं। यहां सप्ताह में वीकेंडली 2 डेज के लिए आउटसाइड व्यक्ति जीता है। ये बड़ी सुंदर है, इसको कहते स्वतंत्रता। वो 6 दिन कमाता है, 2 दिन गमाता है। और क्या फकीरी मिजाज, हमको भी महाराज जी सुना रहे थे, परम पूज्य स्वामी निरंजन जी महाराज, जिन ये तो बहुत दिनों से आ रहे, 15 साल, हमें अभी पता लगा जब माइक पे बोले कि 15 साल से इस देश में कब्जा किया। तो अभी महाराज हमको आप बता रहे थे कि यहाँ के लोग तो वैसे ही मोक्ष पाए हुए होते हैं। हमने कहा कैसे? बोले ये लोग 60-65 साल में फिर नाव लेके, क्या बोलते उसको, कैन कैरावेन लेके खिसक जाते हैं, उसी में नहाते, उसी में खाते, जय बजरंग बली, मकान बेच दिया, झंझट खत्म। और हमारा सनातन भी तो यही कहता है, यार पागल हो जाओ, काम माया के चक्कर में पड़े हो, ये लोग तो वैसे ही मुक्त घूम रहे हैं। हमारे यहाँ 3 मकान बनाने के बाद भी संतुष्टि नहीं है, फिर भी कहता गुरुजी अर्जी लगा दो ठटरी के बारे में। भारत में 3 मकान बनाकर 100-100 एकड़ जमीन रखकर फिर भी ठटरी का बड़ा अर्जी लगाता है। तो एक नया मुंबई में फ्लैट हो जाए, और धन्य है ऑस्ट्रेलिया वाले, मान है, आई लाइक यू। हम आपको बहुत पसंद करते हैं कि 60-65 साल हुआ, सब बेचा बाचा, जय मुक्तिनाथ, कैराबैन में घुस गए, जय बजरंग बली। और थोड़ा और मुक्त अगर हुआ तो थोड़ा तैरने का मजा लेना, तो यहाँ नाव अपनी पर्सनल होती, क्या अद्भुत जिंदगी है। ये 4 भाव देखकर हमको यहाँ के लोग बहुत पसंद आए, इसलिए हम अंत में फिर कहेंगे ऑस्ट्रेलिया आकर हम बहुत खुश हैं। लेकिन अपना भारत भी कम नहीं है, जहाँ डाल डाल पर सोने की सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा, वो भारत देश मेरा, माई बाप, वो भारत देश, जहाँ मंदिरों की घंटियां हैं, गौ माता की वो गुनगुनाहट है, जहाँ संतों के वो गीत हैं, मीराबाई के वो पद हैं, सूरदास की ताने हैं, रस खान के दोहे हैं, जहाँ रहीम के दोहे हैं, जहाँ कबीर की वाणी गूंजती, जहाँ वेदव्यास की भागवत बोलती, जहाँ तुलसीदास की रामचरितमानस थे रखती, जहाँ पर 18 पुराण गीत गाते, जहाँ पर 4 वेद प्राचीनता की याद दिलाते, जहाँ पर 6 शास्त्र हमको हमारा गौरव बताते, जहाँ के 108 उपनिषद तुम्हें जीवन जीने की कला सिखाते, उस देश का नाम भारत देश है। ऐसे वतन से हम आए हैं, आपको हम ना तो प्रवचन सुनाने आए, ना चमत्कार दिखाने आए, क्योंकि यहाँ का लॉ है कि दरबार नहीं आप लगा सकते हैं, और प्राइवेसी है यहाँ की, किसी के बारे में बता नहीं सकते, अपन तो पोल खोल बाबा है, अपने अपने राम जी में ब्रेक नहीं है, वाईफाई लेके ही चलते हैं अपन। तो फिर हमको माँ ने कहा कि यहाँ प्राइवेसी का बड़ा लफड़ा है, हमने कहा कथा तो सुना सकते हैं, हाँ कथा सुना सकते, तो सच तो ये कथा तो बहाने, असलियत में तुमको जगाना है, भूल ना जाओ अपनी संस्कृति। इसलिए 2 दिन की चर्चा करने आए, एक चौपाई हम सुबह बैठे सोच रहे थे किस पे बोलें, लेकिन हमको 2-3 बातें याद आई। अभी हम कुछ दिन पहले फिलीपींस थे, वहां हनुमान जी पर एकांत में चर्चा कर रहे थे पुस्तक लेखन, और उसमें हनुमान जी के लिए एक सूत्र निकला, मल्टी टैलेंटेड हनुमान। हमें लगा कि आपको प्रस्तुत करना चाहिए, हनुमान जी बहुआयामी मल्टी टैलेंटेड हैं, हनुमान जी के जैसा देवता और देवता हनुमत से ही। हमें लगा आप लोग इतने दूर से यहां रहते, बहुत याद आपको भारत की आती होगी,
और बहुत लोगों को तो फिजी के बहुत लोग बैठे तो उनको एक माताजी पूछ रही थी कि हमें अपने भारत के पूर्वजों के बारे में पता नहीं। हमने उनको कहा आज से तुम्हारा घर ही बागेश्वर है। तुम्हारा घर बागेश्वर है और हमारा हमारा परंपरा और हमारा परिचय तुम्हारा परिचय है। एक चौपाई हमने ली है, बहुत देर हो गई है, लेकिन जितनी देर भी हनुमान जी की इच्छा होगी चर्चा को गाएंगे। चौपाई रामचरितमानस की है और राम राज्य की चौपाई। एक बार हमने गाई भी फिर से राम राज बैठे तेरे लोका। Yeah.